आप सभी की डिमांड पे आज मैं एक वीडियो लेके आ चुका हूँ आपके सामने, प्रो मैक्स मतलब प्रो मैक्स X6 मैक्सिमा की, और दूसरी तरफ है फायरबोल्ट की 360 प्रो। दोनों ही कॉलिंग फैसिलिटी के साथ आती है, एक आपको सर्कुलर डायल में मिलती है और एक स्क्वायर डायल में मिलती है। तो सबसे पहले डिसाइड करिए कि आपको स्क्वायर वॉच चाहिए या सर्कुलर वॉच चाहिए, उसके बाद ये वीडियो को देखिएगा। दोनों ही कॉलिंग फैसिलिटी के साथ आती है, प्राइस ब्रैकेट भी ऑलमोस्ट सिमिलर आपको देखने को मिलता है, एक मैक्सिमा की तरफ से आती है, एक फायरबोल्ट की तरफ से आती है। तो गाइस ए टू जेड बात करने वाला हूँ बैटरी बैकअप के बारे में, फीचर्स के मामले में, कॉल क्वालिटी, और एंड में मैं अपना कंक्लूजन भी दूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को आप ऑल कर सकते हो, साथ में आप हमारे टेक्को चैनल को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे हम अमेजिंग डील डालते रहते हैं, लो प्राइसिंग आपको बेस्ट प्रोडक्ट पे मिलती रहती है वहाँ पे। तो आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे TECHPOK ही आपको टेक्को चैनल मिल जाएगा। 200 से भी ऊपर हमारे साथ सब्सक्राइबर वहाँ पे जुड़ चुके हैं, तो आप भी अपना हैंड रेज कर सकते हो, वहाँ पे जुड़ सकते हो, क्वेरीज को वहाँ पे पूछ सकते हो। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस बात करें डिस्प्ले की, तो यहाँ पे दोनों में ही एच टू एच डिस्प्ले मिलती है, चाहे वो सर्कुलर वॉच में बात करो 360 प्रो या प्रो X6 मैक्सिमा की बात करो, तो यहाँ पे भी दोनों में ही एच टू एच डिस्प्ले मिलती है। बट यहाँ पे पिक्सल साइज 360 प्रो का ज़्यादा बेटर है, 360x360 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिल जाता है ऑलमोस्ट यहाँ पे। और प्रो X6 में आपको यहाँ पे TFT पैनल मिलता है, एमोलेड नहीं है, ये मिसप्रिंट हुआ है, 240x280 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिलता है। तो यहाँ पे रिजोल्यूशन कम है प्रो X6 में, तो यहाँ पे पिक्सेलेट हो सकती है जब आप पिक लगाते हो, बट 360 प्रो में पिक्सेलेट नहीं होगी, यहाँ पे पिक्सल साइज बेटर दिया गया है। रेस टू वेक दोनों में ही मिल जाता है, यहाँ पे 2.5D कर्व ग्लास यूज़ किया गया है, प्रोडक्शन कौन सा एक्जैक्टली आई डोंट नो, और यहाँ पे जो शार्पनेस है ऑलमोस्ट सिमिलर है, 326 पर पिक्सल डेंसिटी मिल जाती है दोनों में ही। बात आती है यहाँ पे पीक ब्राइटनेस की, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पीक ब्राइटनेस ज़्यादा है 360 प्रो की एज कम्पेयर टू प्रो X6, तो यहाँ पे 360 प्रो आगे निकल जाती है, स्लाइटली बेटर परफॉर्म करती है, ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी में 360 प्रो आगे निकल जाती है। तो सर्कुलर वॉच के इस कंपैरिजन में 360 प्रो बेटर है डिस्प्ले के मामले में। अब बात आती है वॉच फेसेस, तो यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ क्लाउड बेस्ड वॉच फेस लगा सकते हो, और गैलरी में से कोई भी इमेज का वॉच फेस आप लगा सकते हो, दोनों ही वॉचेस में ये फीचर अवेलेबल हो जाता है। अब यहाँ पे फिटनेस ट्रैकिंग की मैं बात करूँ, यहाँ पे 7 स्पोर्ट्स में मिलते हैं X6 में, और 360 प्रो में 8 स्पोर्ट्स में मिलते हैं, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। IP67 की रेटिंग मिलती है प्रो X6 में, और 360 प्रो में IP68 की रेटिंग मिलती है, तो यहाँ पे भी 360 प्रो साइन करती है। और यहाँ पे एक्यूरेसी लेवल प्रो X6 का ज़्यादा बेटर है, मतलब एज कम्पेयर टू 360 प्रो। डेडिकेटेड सेंसर भी दिया गया, नीड चिप का यूज़ भी किया गया है प्रो X6 में, और 360 प्रो में ऐसा कोई चिप का ऑफिशियल क्लेम तो नहीं किया गया है, तो यहाँ पे एक्यूरेसी लेवल डाउन ही है। और मैं परसेंटेज के हिसाब से बताता हूँ, 75% अगर 360 प्रो चलती है मतलब एक्यूरेसी है, प्रो X6 में आपको 85% तक की एक्यूरेसी मिल जाएगी। एक्सेलेरोमीटर, ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर, जायस्कोप सेंसर, ये सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है दोनों ही वॉचेस में, तो यहाँ पे भी बेसिक फीचर प्रोवाइड किया गया है, सेंसर्स की कमी नहीं है दोनों में से किसी में भी। अब बात आती है एक्स्ट्रा विजेट्स की, तो स्मार्ट नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सकते हो, प्रॉपर्ली डायल कर सकते हो, वॉच में से ही आपको डायल पैड मिलता है, नंबर्स प्रॉपर्ली डायल कर सकते हो, साथ में आपको यहाँ पे उसी के साथ साथ कॉल लॉग सेव कर सकते हो, देख सकते हो, नंबर्स को सेव भी कर सकते हो, ये सारी सारी चीज़ें मिल जाती है ऑल टाइम, अपने फोन को निकालने की जरूरत भी नहीं है आपको, कॉल को म्यूट और एग्जिट भी आप कर सकते हो। फुल टच मैनुअल स्मूथ, यहाँ पे शटर लैग बहुत ही कम देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ यहाँ पे अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, कॉल टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन, ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाती है। थिएटर मोड भी मिल जाता है आपको दोनों ही वॉच में। और बात करें ब्लूटूथ वर्जन की, तो 5.0 मिल जाता है, यहाँ पे कनेक्टिविटी रेंज भी अच्छी हो जाती है दोनों में ही। फाइंड माई वॉच, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल तो मिल जाता है दोनों में ही। फाइंड माई फोन मिशिंग, अगर ये होता तो ज़्यादा बेटर था। यहाँ पे बात करें एंड्रॉइड या iOS दोनों से पेयर कर सकते हो, मेरे ख्याल से दोनों ही वॉचेस आपकी पेयर होंगी दाफिट एप्लीकेशन से, अगर आपको दाफिट एप्लीकेशन मिल रही है प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे, तो आपकी ये दोनों वॉचेस पेयर हो जाएंगे आपके फोन के साथ। अब बात आती है यहाँ पे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की, तो हार्डवेयर की बात करते हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पे 360 प्रो आगे निकल जाती है, 3W स्पेयरिंग का ऑप्शन मिलता है 360 प्रो में, 512 MB इंटरनल मेमोरी मिलती है, तो यहाँ पे आप अपने सॉन्ग्स को भी स्टोर कर सकते हो, और करीब करीब यहाँ पे 200-300 सॉन्ग को आप स्टोर कर सकते हो, और 64 MB रैम मिल जाता है, और प्रो X6 में थोड़ा सा कम मिलता है। और टिपिकल UI मिलता है प्रो X6 में, आपको ड्यूल मेन्यू मिल जाता है लिस्ट वाला और एक आई वॉच वाला, और प्रो 360 प्रो में आपको कस्टम मेन्यू मिलता है आई वॉच वाला। आगे बात आती है यहाँ पे सिंगल बटन कंट्रोल मिलता है दोनों में ही, नहीं, एक में आपको सिंगल बटन कंट्रोल मिलता है, 360 प्रो में ड्यूल बटन कंट्रोल मिलता है। यहाँ पे एक बटन आपका होम पे जाने के लिए है, और एक बटन आपका मेन्यू को स्क्रॉल करने के लिए, और गेस्टर्स का यूज़ तो आप कर सकते हो दोनों ही वॉचेस में। अब बात आती है यहाँ पे बैटरी बैकअप की, तो यहाँ पे बैटरी बैकअप दोनों में ही आपको अच्छा मिल जाता है, और 2 घंटे फुल चार्ज होने में ले लेती है, 260 या 240 mAh बैटरी का यूज़ किया गया हो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, और रन टाइम के हिसाब से मेरे ख्याल से हो सकता है 10 दिन का रन टाइम क्लेम करती होना पेपर 360 प्रो, X6 आपकी 7 डेज का रन टाइम क्लेम करती होना पेपर। यहाँ पे आप बोलोगे 360 प्रो ज़्यादा बैटरी बैकअप क्यों दे रही है, यहाँ पे डिस्प्ले साइज कम है। आगे बात आती है मैग्नेटिक चार्जिंग दोनों में मिल जाता है, और गाइस यहाँ पे एक्चुअल यूजर्स की बात करो, सारे सारे नोटिफिकेशन ऑफ करके तो 6-5 दिन का इजीली बैटरी बैकअप मिल जाएगा, बट अगर आपने सारे सारे नोटिफिकेशन ऑन कर रखे हैं, कॉल पे बात भी कर रहे हो, तो यहाँ पे दोनों ही वॉचेस 2-3 दिन यूज़ होने वाली है, आपके यूजर पैटर्न पर डिपेंड करता है, यहाँ पे मैं क्लेम नहीं कर सकता कितना चलेगी। आगे बात आती है मेन फीचर्स की, तो यहाँ पे HR मॉनिटर दोनों में मिल जाता है, SPO2 लेवल मॉनिटर मिल जाता है, उसी के साथ साथ स्लीप ट्रैकिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है दोनों में ही, एक्यूरेसी लेवल बता चुका हूँ कितना है, कैलोरी बर्न, स्ट्रेस ट्रैकिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है, और सेडेंटरी रिमाइंडर भी आपको दोनों में ही मिल जाता है।
अब बात आती है ब्रीथ रिलैक्स मोड की, तो दोनों में ही अवेलेबल हो जाता है। तो मेन फीचर्स के मामले में दोनों ही इक्वल परफॉर्म करती है, बेटर परफॉर्म करती है। अब बात आती है यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी दोनों की अच्छी है। एल्युमिनियम का डायल दिया गया, बेस पॉलीकार्बोनेट है और वेट थोड़ा सा कम है X6 का 360 प्रो से। 20mm स्ट्रैप साइज है तो आफ्टर मार्केट का भी यूज़ कर सकते हो। 360 प्रो में आपको 22mm स्ट्रैप साइज है, आफ्टर मार्केट का आप यूज़ कर सकते हो। टीपी स्ट्रैप की क्वालिटी मिलती है, अच्छी है, ठीक है। सिलिकन होता तो और ज़्यादा स्किन फ्रेंडली होता। यहाँ पे मेन ब्लेड क्वालिटी दोनों की अमेजिंग है, मेटल डायल है, बेस पॉलीकार्बोनेट आपको मिल जाता है दोनों ही वॉचेज में। तो यहाँ पे ब्लेड क्वालिटी में कोई भी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, X6 प्रो आपकी जो मैक्सिमा की है वो आपकी 4000 के प्राइस ब्रैकेट में एज अ लॉन्च ऑफर मिल रही है। 360 प्रो आपकी 3500 रुपये से 4000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में अवेलेबल हो जाती है अमेजन पे। दोनों की बेस्ट बैलिंग मैंने दे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। कंक्लूजन की बात कर लेते हैं यहाँ पे एंड रिजल्ट की, तो प्रो X6 मेरे को ज़्यादा बेटर लगी, बट 360 प्रो में आपको इनबिल्ट यहाँ पे मेमोरी मिलती है जिसकी वजह से आप TWS को भी पेयर कर सकते हो, तो 360 प्रो भी कम नहीं है। और X6 प्रो में जो पिक्सल साइज है वो थोड़ा सा कम है और 360 प्रो में पिक्सल साइज बेटर है। तो गाइस सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए तो प्रो X6 ज़्यादा बेटर है, बट यहाँ पे आपको अगर फीचर्स ज़्यादा चाहिए तो 360 प्रो आपके लिए बेटर हो सकती है। गाइस ये था मेरा एक डीप डाउन कंपैरिजन मैक्स प्रो X6 वर्सेस फायरबोल्ट 360 प्रो के लिए। आपको कोई क्वेरी रहता है तो जरूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को आप ऑल कर सकते हो। मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।